नगर निगम भिलाई में महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में शहर विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के प्रभारी महापौर परिषद के सदस्य उपस्थित। शहर विकास को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करने, विकास कार्यों की रूपरेखा तैयार करने, रुके हुए कार्यों को शुरू कराने, शीतला तालाब संजय नगर तालाब के सौंदर्यीकरण, शहर में लगे विज्ञापन बोर्ड को व्यवस्थित करने आदि मुद्दों को लेकर महापौर परिषद की बैठक महापौर नीरज पाल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में नगर निगम के विभिन्न विभागों के प्रभारी महापौर परिषद के सदस्यों ने विषयों पर अपने सुझाव रखे, साथ ही कार्य योजनाओं को अंतिम रूप दिया गया। महापौर परिषद की बैठक की जानकारी महापौर नीरज पाल ने दी। आज मेयर इन काउंसिल की बैठक में शहर के विकास को लेकर नगर निगम क्षेत्र में जो होर्डिंग अव्यवस्थित ढंग से जो होर्डिंग्स लगे हैं, विज्ञापन के जो बोर्ड लगे हैं, उसको व्यवस्थित करने के लिए उसकी सिस्टम को चेंज किया है। यूनिपोल जो अब समय की ज़रूरत है, यूनिपोल के माध्यम से विज्ञापन बोर्ड लगाए जाएंगे, उसके बारे में निर्णय किया गया है। पुराने जो अव्यवस्थित ढंग से जितने भी होर्डिंग लगे हैं, अगला जो यूनिपोल की निविदा आने के बाद उसको हटा लिया जाएगा। इसके साथ ही साथ ट्रैफिक सिग्नल को लेकर निर्णय किया गया। शहर के विकास से जुड़े हुए छोटे बड़े और बहुत सारे मामले थे, जैसे कि शीतला तालाब पिछले काफ़ी लंबे समय से उसका निर्माण में गतिरोध उत्पन्न था, उसको लेके बात हुई। संजय नगर तालाब को लेके बात हुई। ऐसे और भी बहुत सारे मामले थे जिनको लेके आज महापौर परिषद ने निर्णय लिया है और सर्वसम्मति से शहर के विकास में सभी एजेंडों पे सार्थक चर्चा करके उसको पास किया। उसी से संबंधित जो मैंने आपको बताया कि ट्रैफिक सिग्नल को लेके आज निर्णय लिया गया है और बहुत जल्दी उसमें एजेंसी निर्धारित करके ट्रैफिक सिग्नल के माध्यम से यातायात को नियंत्रित किया जाएगा। बहरहाल MIC बैठक में नगर निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे सहित जोन आयुक्तों और निगम के अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित थे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।